साध संगत जी, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। राज दी शक्ति तो बिना धर्म प्रफुल्लित नहीं रहिंदे, ते धर्म दी ताकत तो बिना कौम दियां हो कौम दी होंद नहीं रहिंदी। याद रखो, अपने कोल पिछले साल 10 साल राज रहा, अपा चप्पड़ चिड़ी दी मैदान दी धरती ते बंदा सिंह बहादुर दी यादगार बनाई। अपने कोल राज आया, अपा बड़ा कलूकारा कुपर हिड़े ओदी यादगार बनाई। अपने कोल राज आया, अपा बरासते खालसा बनाया। अपने कोल राज आया, अपा छोटा कलूकारा कानू बांध दे छंब बनाया। अपने कोल राज आया, अपा मोती राम मेहरे दी यादगार बनाई। अपने कोल राज आया, अपा भगत रविदास जी दी यादगार बनाई। अपने कोल राज आया, अपा थां थां ते इतिहासकार यादगारां बनाईयां। यही कारण है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नू पंजाब दा डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया, श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान बनाया। आउण वाली कल पंजाब दा मुख्यमंत्री बनाउणा है। इस करके मैं जकारा लावांगा, हथ खड़े करके ओहदा जवाब देना सारिआं ने। बोले सोनिहाल। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल। सारे पिछे जो ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। एक नकम्मी सरकार का खात्मा हो रहा। जड़ी सरकार हुंदी है ओ रेल गड्डी मंगू है, इंजन मुख्यमंत्री हुंदे डब्बे मंत्री ते सरकार। जे चंगा इंजन तुसी चुन लिया फिर 5 साल बड़ी स्पीड ना सरकार चलती है। जे कैप्टन वर्गा चुन लिया 5 साल स्टार्ट ही नहीं होया, उत्थे ही खड़ा रहा। हुण थोड़े 5 साल बर्बाद करते कैप्टन ने। देना की सी, जिहड़े काम शुरू किते सरकार ने बंद कर दिते। मैं पिंडां विच सेवा केंद्र खोले, तुसी अपने पिंडां जी कम करा सकते सी, आ कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिते। असी एससी बच्चों नूं मुफ्त पढ़ाउंदे, कॉलेजां विच 4.5 लाख बच्चों नूं मुफ्त पढ़ाउंदे, कांग्रेस ने एससी स्कॉलरशिप भी बंद कर दिती। असी नौजवानों नूं खेडां दा समान जिम दिंदे, कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिता। असी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा शुरू की कि जिन्हें हजूर साहब जाना मत्था टेकन वास्ते सरकारी ट्रेना चला दिया, कांग्रेस ने आके बंद कर दिता। असी लड़कियां 10वीं दे गैर साइकिल दिंदे, कांग्रेस ने बंद कर दिता। मैं वर्ल्ड कप कबड्डी करवाउंदा सी, आके बंद कर दिता। मैं पशु मेले घोड़िया के मेले लाउंदा सी,
इन्होंने आके बंद कर दते, डक्का तोड़िया नहीं, काम किया नहीं, पर्चियों तो बगैर, धक्के तो बगैर, इन्होंने लुट्टन तो बगैर एक निशानी नहीं, पांच सालां च एक निशानी नहीं जेड़ी कह सकते हैं कि असी आ देन पंजाब नूं दित्ती है। जे कुछ मिलिया पंजाब च, जे कोई बनाया पंजाब विच, कल्ली एक पार्टी ने श्रोमणी अकाली दल ने किया। अज तुसीं हजारां की गिनती चाहे हो, थोड़े घरां च बिजली थर्मल प्लांटां तों आउंदी है, जिन्ने थर्मल प्लांट पंजाब दे है सारे ही सरदार प्रकाश सिंह बादल ने बनाए है। भाखड़ा डैम तो बगैर सारे डैम बादल साहब ने बनाए। आ जिन्नियां मंडियां च बैठे हैं, जिवें आप मंडी च बैठे हैं, 2200 मंडी पंजाब च है, 2100 तो वध मंडियां बादल साहब की सरकारां दौरान बनिया, 16 लाख ट्यूबवैल कनैक्शन पंजाब च है, 13.5 लाख तो वध ट्यूबवैल कनैक्शन अकाली दल की सरकारां दौरान बने। आ जिन्नियां कस्सियां नहरां पंजाब खेतां च पानी लैके जांदियां, 90% कस्सियां नहरां उदों बणियां जदों अकाली दल की सरकार है। पक्के खाले श्रोमणी अकाली दल ने बनाने शुरू किए, पाइपां नाल पानी श्रोमणी अकाली दल की सरकारां ने शुरू किया, थोड़े ट्यूबवैलां दे बिल अकाली दल दे सरकारां ने माफ किए, मामला अकाली दल की सरकार ने माफ किया, ट्रैक्टरां तों टैक्स अकाली दल दे सरकार ने बंद किया, थोड़े गरीब नूं आटा दाल स्कीम अकाली दल ने दित्ती, शगन स्कीम, पेंशन स्कीम, सारियां ही अकाली दल दी स्कीमां है। एक भी चीज कांग्रेस की नहीं है, एक भी चीज किसी होर की नहीं है। जो कुछ पंजाब बनिया सड़कां तो लैके तुसीं अपने पिंडां देख लो, उदों ही जदों अकाली सरकार, क्यों? क्योंकि अकाली पार्टी थोड़ी पार्टी है, थोड़ी मां पार्टी है, कौम दी पंजाबियां दी आवाज है, थोड़े खून च अकाली दल है। अकाली दल ही कल्ला पंजाबियां दी है, आ दूजियां पार्टियां सारियां बाहर दियां है, दिल्ली तो हुक्म आउंदे है। थोड़ी असली मां पार्टी, थोड़ी अपनी जान अकाली दल है। तुसी अपने घरे चले जाओ, अपने बजुर्गों दी पुरानियां फोटो कढ़ा लो, किसी ना किसी अकाली मोर्चे च होणगियां, किसी ना किसी अकाली संघर्ष फोटो होणगियां। आ तां इतिहास अकाली दल दा 100 साल पुरानी पार्टी है। जिवें तुहानूं दस्सिया कि गुरु साहब ने, गुरुआं ने आपां नूं इक मीरी पीरी का सिद्धांत दिता, गुरुआं ने आपां नूं मतलब की है कि धर्म तां वध सकदा जे उहदी फौज तकड़ी होए, सियासी ताकत होए। सही मायने ते पंजाबियों की सिख खालसा पंथ की फौज है अकाली दल है, दूजे सारे कोई लुट्टन वास्ते आए। इस इलेक्शन में 4 पार्टियां, 3 बार दियां, बीजेपी बारे थोनू पता ही है, उहदा कहण दा लोड़ ही नहीं। कांग्रेस पार्टी वह भी दिल्ली की है, किनू मंत्री बनाना, किनू संतरी बनाना, किनू मुख्यमंत्री बनाना, किनू टिकट देनी है, की फैसले होने हैं। सारे सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी करती सी, और रास्ता नहर जिहड़ा पंजाब तो पानी राजस्थान नूं गया, क्यों गया? क्योंकि उदों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सी ते दरबारा सिंह मुख्यमंत्री सी कांग्रेस का। दरबारा सिंह नूं कहा कि नहर कढ़नी है, उन्हें कढ़ दित्ती, पानी चला गया। एसओएल नहर बनाउण लगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कांग्रेस की सरकार इत्थे नहर बना दी। आ तां अकाली दल ने रोकी है, नहीं तो आ भी पानी चले जाना सी। आ टैंका तोपा ते दरबार साहब ते हमला करने वाली पार्टी कांग्रेस है, ते फिर भी आप बार बार उन्होंने मौका दिने। जरा बंद कराओ, आ बंद कर दो जरा ढोल वाले भाई, बाजीगर भाईचारे वाले बड़ी गिनती चाहे ने, बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का पिछोकड़ की है? केजरीवाल याद है, तू जो पहली बार आम आदमी पार्टी बनी
केजरीवाल कहता सी टिकटां रेहड़ी वाले नूं देवांगे, टिकटां साइकल रिपेयर वाले नूं देवांगे, ते दित्तियां किहनूं है? आ जिहड़ा थोड़े मोहाली है कुलवंत सिंह, सब तो अमीर बंदा, इत्थे 117 सीटां विचों 65 सीटां दल बदलुआ नूं दित्तियां, दल बदलुआ नूं आ बदलाव लैके आउणगे। सारे अकाली दल ने कढे, अगले दिन आम आदमी पार्टी नूं पैसा दे के MLA टिकट लै ली। आ कोहली पटियाले वाला पूरी जिंदगी अकाली दल, जो असीं कहे टिकट नहीं देनी, छाल मारी आम आदमी नूं पैसा दिता ते टिकट लिया। आ सनौर वाला वह भी दल बदलू, मतलब कोई छड्डी नहीं पार्टी। आ जिहड़ा थोड़ा घनौर वाला, इहदे नाल सब तो वड्डा ड्रग माफिया, दुनिया का सब तो वड्डा ड्रग माफिया, आ नाल देखो लड्डू उहदे मूंह च खुआई जांदा है। ते फिर आ आ आम आदमी पार्टी है, आम आदमी कहिंदी कुछ है करदी कुछ है। मैं सारिआं नूं कहना चाहुंदा, देखो दो तीन गल्लां अपने मन च जरूर रखियो। केजरीवाल ने 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दित्ती है कि SYL नहर बनाओ पंजाब चो, दिल्ली नूं पानी चाहिए। जे उन्हां दी सरकार आ गई इन्हें पानी लै जाणा, ते जिहड़ियां नहरां तुहाडे हैगियां आ खाली हो जाणगियां, ते फिर झाड़ू फेरना उत्थे पर फेरना पैणा खाली नहरां च। आई आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट लिखिया कि पंजाब दे थर्मल प्लांट बंद करो, धुआं आउंदा पंजाब दे किसान पराली साड़दे है, उहनूं बंद करो, परचे करो, कि केजरीवाल अगवाई करूगा। कंधां ते लिखिया केजरीवाल नूं इक मौका दिओ। पिछली वार 5 साल पहले केजरीवाल दी पार्टी नूं 20 सीटां जिता के भेजिया, पिछले 5 सालों च 1 दिन भी केजरीवाल पंजाब च आया? करोना की बीमारी के दौरान इत्थे 1 दिन भी आया दुख सुख करने वास्ते कि मैं मुख्यमंत्री हाँ दिल्ली का, दसो किस चीज़ की लोड़ है? तो फिर कंधा तो कोई लिखा केजरीवाल नूं मौका दो। केजरीवाल नूं पता है कि झोना कदों लाईदा, कण कदों बीजीदी है? उन्हें जिंदगी कितने खेत गया ही नहीं, हुण पंजाब दे सूबे की अगवाई करूंगा। कहिंदा दिल्ली मॉडल मैं पंजाब च लागू करना है। दिल्ली मॉडल का मतलब है दिल्ली ट्यूबलों के बिल लगते हैं, फिर तैयार हो जाओ दिल्ली मॉडल करके। उत्थे थोड़े हर चीज पर टैक्स लगता है जिहड़ा इत्थे माफ है। इत्थे आके कहिंदा मैं गरंटी दिना कि हर औरत नूं 1000 रुपया। केजरीवाल साहब जिथों के मुख्यमंत्री तुसी हो, 10 साल हो गए 1 रुपया किसी औरत नूं नहीं दिता दिल्ली, इत्थे आके कहिंदा मैं दूंगा। दिल्ली च मुलाजम धरनिया ते बैठे, कच्चे मुलाजम है, 10 साल हो गए पत्ते नहीं किते, इत्थे आके कहिंदा मैं पक्के करूंगा पंजाब दे मुलाजम। 1-1 ट्रक तो मैं लगता पता नहीं 8-8, 10-10 हज़ार रुपये लैंदा एंट्री अपने पंजाब के ट्रक जिहड़े जांदे उत्थे। आ तो हालात है यार, हुण केजरीवाल नूं तुसी मुख्यमंत्री बनाओगे इत्थों दे? आ हालात है, अपने अपने ही है। मैं तुहानूं अज दसदा, फिर बाद च ना पछतायो। देखो मां पार्टी थोड़ी है, जान है थोड़ी अकाली दल, थोड़े खून च अकाली दल है, थोड़े जबान च अकाली दल है, अकाली दल थोड़ी फौज है। अकाली दल तगड़ा तो तुसीं तगड़े हो, जे अकाली दल कमजोर हो गया थोड़े उत्तों दे, जिवें अंग्रेज आके देश ते कब्जा कर गए, जिवें मुगल आके कब्जा कर गए सी, ओही हालात होनी है। श्रोमणी अकाली दल BSP का गठजोड़ बहुत पुराना गठजोड़ है, 1996 च गठजोड़ होया, एक तूफान वांगू सरकार आई, 11 सीटां जितिया पार्लीमेंट। हुण मैं देखिया पूरे पंजाब च मैं घूम के आया, जिहड़ी हालात मैं देख रहा, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई है। मैनू नहीं लगता 10 भी सीटा कांग्रेस नहीं आऊंगी,
चन्नी दोनों सीटा तो हार रहा है, बुरी तरह हार रहा है, इन्हां दे सारे मंत्री हार रहे हैं। ते माझे विच झाड़ू है ही नहीं, दुआबे च भी झाड़ू है नहीं, मुक्तसर जिले च कोई झाड़ू नहीं, फाजिलका जिले च कोई झाड़ू नहीं, फिरोजपुर जिले च कोई झाड़ू नहीं, इधर फरीदकोट जिले च कोई झाड़ू नहीं, मोगा जिले च कोई झाड़ू नहीं। जे झाड़ू है आ संगरूर दे नेड़े तेड़े उत्थे भी मैं लगता अपने वर्कर है जी स्प्रे करी जाते हैं वह भी तीली तीली हो जाता है। आ दिड़बे तो इन्हों का झाड़ू का लीडर ऑफ द ओपिनियन मैं लगता तीजे नंबर से जा रहा है। देखो पंजाब नू जे बचाउणा, पंजाब नू अगे लैके जाना, किसानी नू बचाउणा है ते इको एक अपनी मां पार्टी नू रखो, होर किसे सारिआं नू भुल जाओ। असी अज अपना चोन पत्र जारी कीता है ते तुसी इक गल जानदे हो कि असी जो जबान कर दिंदे असी पूरे करदे हां, अज तक असी पिछे नहीं हटे। जे मैं तुहानू कहा मैं बिजली आम कर दूं करती, जे मैं कहा चार ते छे लेन दीआं सड़कां पूरे पंजाब बिछा दूं जाल कर दिता, जे असी क्या ट्यूबवैलों के बिल माफ होणगे ते कर दिते, आटा दल क्या कर दिता, किते भी गल इह जी नहीं जिहड़ी असी कही ते मुकरे नहीं मुकरे हैं। साहब प्रकाश सिंह बादल पंज वार मुख्यमंत्री तां बणे लोकां नूं विश्वास, अकाली दल ते विश्वास, क्योंकि उन्हें पता अकाली अपनी मां पार्टी है। इस करके जिहड़ियां चीज़ां अज असी चोन पत्र जारी कीता है, मैं तुहानूं दो अठ दस चीज़ां ही दस दूंगा। एक तो बजुर्गों की पेंशन अज 1500 रुपये, साड़ी सरकार आने ते 3100 रुपया किया जाऊगा। जेड़ा शगन है शादी भी शगन 51,000 है अज 75,000 रुपया किया जाऊ, शुरू भी आप ही किया। मैनू चंदू मरे साहब दस रहे है आ जलालपुर ने बड़े अपने नीले कार्ड कटते हैं, जिस दिन सरकार बनी पहले 15 दिन असी नीले कार्ड फिर तो बना देंगे। ते जेड़ी नीले कार्ड परिवार की जेड़ी मुख औरत घर चलाउंदी है, एती नवी स्कीम लेके आए हैं, उसके खाते च 2000 रुपया महीना आया करूगा। पिछली बार असी बिजली पूरी कीती, एती बिजली सस्ती कीती जाऊगी, पहले 400 यूनिट हर महीने दे बिल 2 महीने बाद होना, इसका मतलब 800 यूनिट बिल चो सारिआं दे माफ होणगे, भावें एससी परिवार है भावें बीसी है भावें जनरल है, सारिआं वास्ते पहले 800 यूनिट मुफ्त होणगे। जिहड़ी पंचायतों विच जिहड़ियां पंचायतों कोले जमीन है 5-5 मरले प्लाट, पहले ही 3 महीने जो गरीब नूं दित्ते जाणगे जिन्हां कोले कोई जगह नहीं। पंज लख मकान गरीबां दे असी 5 सालां च बनाउणे आ, लख मतलब तकरीबन 5000 मकान हर असैम्बली हल्के च 5 सालां च बनूगा। ते चंदूमरा साहब तुसीं लिस्ट बना लिओ जिन्हां कोले कोई नहीं है, 5000 मकान हर असैम्बली हल्के च। एक असी नौजवानां नूं मैं दसना चाहुंदा है आ जिहड़ी सरकारी स्कूल की पढ़ाई है आ फेल है, 2-2, 4-4, 6-6 कमरे पिंडां दे स्कूल है, पंजाबी दे टीचर नूं कह दिंदे आ कि साइंस पढ़ा पढ़ाई नहीं सकदा, इस करके एक्ती पढ़ाई ठीक करनी है। मैं 12,000 करोड़ रुपया मैं अगले 5 साल च खर्चना है, करांगे किवें, हर 25,000 आबादी के अंदर मतलब 10-12 पिंडां दे अंदर 10 एकड़ च एक 5,000 बच्चे का स्कूल बनाया जाऊगा सरकारी, जिथे सारे टीचर उत्थे रहणगे, हर किस्म की लैबोरेटरी कंप्यूटर लैब सारा कुछ उहदे जाऊगा। घट तो घट मतलब थोड़े हल्के च मतलब 12 या 13 स्कूल इह जे बन जाणगे। ते बसां राहीं बच्चों नूं
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿ 33% ਸੀਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁੱਕਿਆ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, 3 ਸਾਲ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਊ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਸਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗੁੱਡੇ ਠੀਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜੂਗਾ, ਨਵੇਂ ਗੋਡੇ ਪਵਾ ਲਿਓ ਵਧੀਆ। 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੜਿਆ ਕਾਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜਾਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੇਲ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਕਤੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਕਤੀ
तकरीबन 3,000 करोड़ रुपये ला के अंडरग्राउंड पाइप पा के पूरे पंजाब च जाल बिछाने हैं नहरी पानी को टेलों से बचाने वास्ते। तो थोड़े को चंदूमरा साहब हैगे है थोनू पता है जे मैं 5,000 दिना तो डबल अपने आप ही धक्के ले आऊंगे मेरे को तो मैं ते जड़े मुलाजमान वास्ते तो थोनू असी 4 चीजा लेके आए हैं कि पे कमीशन पूरा लागू हो 2004 की जी पेंशन स्कीम फिर तो लागू हो जिहड़ा अपने कच्चे मुलाजम बादल साहब ने पहले भी पक्के किए एक्ट फिर तो करांगे जिहड़े कैप्टन सरकार दे दौरान झूठे परचे दिते गए मुलाजमान के सारे ही वापस होणगे ते जिहड़े झूठे परचे वर्करां दे दिते गए कांग्रेस के पहले ही दिन कमीशन बिठा के एक महीने के अंदर रिपोर्ट लैके सारे परचे रद्द किए जाएंगे ते जिहड़े अफसर ने किए है उहदे ते परचा दे के उहनूं नौकरी तो कढ के जेल सिट्टा जाऊगा करते करते करते। देखो आ जिहड़ा जलालपुर है आ तां बजदा नहीं मैं तैनूं इन्ना दस दिना 20 तरीक नूं वोटां पैणियां है 10 तरीक नूं गिनती अगले महीने 15 तरीक नूं चंदूमरा साहब बन जाणगे मंत्री ते 16 तरीक नूं जलालपुर अंदर जिन्ना इन्हें लुटिया जिन्ना इन्हें धक्का किया जिन्ना इन्हें गंद पाया मैं लगता किसी ने नहीं पाया। अच्छा कले वो नहीं आ जलालपुर ने अपने कांग्रेसी भी ठग ले मैं लगता एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई ते कांग्रेसी सारे ठग ले लाल सिंह भी ठग ले ने जलालपुर ने एडा वड्डा ठग है तो इस करके मैं इन्हू कहना चाहना है देखो घनौर ते सनौर वो जिवें कितें हुण ऐ ना करो कोई दो की दो भैणा है कोई तीजी भैन ना लभ नाल जोड़ लिया कोई लभ लन भाई लभ लो इधर बस। देखो चंदू महाराज साहब ना मेरा दिलो प्यार है इन्होंने पूछो कि अज तक कितने ना की थोनू है जिथे कहते मैं इलेक्शन लड़ना चलो जी मैं लगता कितने कितने फतेहगढ़ साहब दो दो दे दिया मैं अगली बार क्या मैं रोपड़ भेज दी मैं रोपड़ के बाद हिमाचल है हूँ ये अगे तो जा नहीं सकते ताइ असी वापस। अच्छा मैं तुम्हें एक गल दसा इन्हों के खून च बसिया मेहनत करना खून दो मैं लगता इन्हों बेटे तीनों ही मैं कहना इन्ने मेहनती है इन्ने वर्कर मगर खड़न वाले है घनौर वाले तुम बड़े किस्मत वाले चंगे हो थानू वधिया नुमाइंदा मिलिया थोड़े वास्ते डांग ना खड़न वाला थोड़े ते आंच नहीं आन दिंदे चंदू महाराज साहब थोड़े ते आंच नहीं आन दिंदे अपनी छाती अगे करके थोड़ा जिहड़े थोड़े दुश्मन वार करूगा चंदू महाराज साहब अपनी छाती अगे करनगे एज ए इंसान है मैं देखिया इस करके मैं चंदू महाराज साहब नूं मैं कहा नाले उन्होंने बेटे नूं भी कहा तुसी अपने घनौर ते सनौर विच जो जबान करे आओगे इत्थे घग्गर दा बड़ा काम है दूजे नहरी पानी दा काम है जो जबान कर लोगे मैनू दस दिओ पहले ही 6 महीने च पूरी कर देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा। आ तहसील तो छोटी चीज है घनौर सनौर दोनों आ तहसील बनावांगे पक्का गरंटी।